वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं आईसीएमआर जेआरएफ 2020 एडमिट कार्ड के बारे में। जी हाँ गाइस, आईसीएमआर जेआरएफ 2020 का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। तो एडमिट कार्ड किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। सिंपली आपको जो स्टेप्स में बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगी, आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ एडमिट कार्ड रिलीज। थोड़ा और नीचे जाने पे यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन कॉलम दिखाई देगा जहाँ लिखा एडमिट कार्ड हैज बीन रिलीज, क्लिक है टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो गाइस, आपको सिंपली यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक कर देना होगा। वहाँ पे क्लिक करते ही आप लोगों के सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, न्यू टैब ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो यूजर आईडी है, लॉगिन आईडी, वो एंटर करना है। नेक्स्ट आपका जो पासवर्ड सेट किया था आपने, वो पासवर्ड आपको एंटर कर देना होगा। और बाद में गाइस, आप लोगों को जो ऊपर इमेज में जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, सेम कैप्चा एज इट इज आपको जो है यहाँ पे नीचे टाइप करना होगा। और सिंपली फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आप अपने आईडी में लॉगिन हो जाएंगे। वहां से आप आसानी से अपना एडमिट कार्ड जो है देख के डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। अगर फिर भी कोई भी परेशानी, कोई भी इशू फेस हो रहा तो होता है गाइस, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक प्रोवाइड करा दिया है। आप वहां पे मुझे अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा रहा हो, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई हो, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।